मशीन है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो ये पंजा है जेसीबी का वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। 16 में तमाम लोगों को फ्लोर दे दिया गया है और आप देख सकते हैं ढह गई है दीवार, तोड़ दिया है घर जेसीबी ने। हालांकि इन तमाम लोगों को सेक्टर 16 में प्लॉट दे दिया गया था, तो आप देख सकते हैं पीला पंजा चलता हुआ और जो तमाम यहां पर घर बने हुए थे उन पर कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। पीला पंजा मलबे में तब्दील हो रहे हैं वो घर जो यहां पर अवैध रूप से बने हुए थे। मेरा मकान है जी। क्या कार्रवाई करने के लिए आए? क्या कार्रवाई करने के लिए आए? मारा तो उस खाते में पैसा भी बहुत खाते में जा रहा है, जनरल में जा रहा है। और मेरे घर वाले की डेथ हो गई थी, 4-5 महीने तो हुए हैं मेरे घर वाले ने की डेथ। प्लॉट मिल गया? प्लॉट तो मिल गया, बनाया नहीं भाई। जनरल खाता में घेर दिया, ब्याज बनाने लग रहे हैं, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाने लग रहे हैं, मैं कहाँ से भरूंगी? आप देख सकते हैं करनाल के वाल्मीकि बस्ती में जो मकान है, जो घर है वो खाली करवाए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और आप देख सकते हैं पुलिस और प्रशासन की तरफ से ये जो घर है फिलहाल खाली करवाए जा रहे हैं क्योंकि कार्रवाई होनी है। कई जगह पर प्लॉट मिल गए हैं, कई जनों को प्लॉट नहीं मिले हैं और ऐसे में वाल्मीकि बस्ती में जो तमाम लोग रहते हैं वो यहाँ पर विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जिनका घर है उन्हें बाहर करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका सामान भी यहां पर निकाला जाएगा और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन उन्हें बाहर करता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल भी पहुंचा हुआ है और आज पुलिस और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। करनाल के सेक्टर 12 के नज़दीक जो वाल्मीकि बस्ती पड़ती है वहां पर प्रशासन का कहना है कि अधिकतर लोगों को जो प्लॉट है वो सेक्टर 16 में दे दिए गए हैं। काफ़ी लोग वहां पर शिफ्ट भी हो गए हैं लेकिन कुछ लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं जिसके चलते अब जो ये वाल्मीकि बस्ती है लोगों के जो यहाँ पर घर बने हुए थे उन्हें तोड़ा जा रहा है और इसकी जगह उन्हें सेक्टर 16 में प्लॉट दे दिए गए हैं। कई लोगों ने बना भी लिए हैं, जिन लोगों के टूट रहे हैं अब घर उन्होंने किसी कारणवश वहां पर शिफ्ट नहीं किया है और अब आज आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल पहुंचा हुआ है और यहां पर कार्रवाई की जा रही है पुलिस और प्रशासन की तरफ। देख पा रहे हैं यहाँ पर घर खाली किया जा रहा है, जो सामान अंदर रखा हुआ है उसे बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस बल मौके पर पहुंचा हुआ है, सिविल लाइन थाने के SHO विष्णु मित्र और उनकी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और घर खाली करवाया जा रहा है और उसके बाद JCB इस पर चलती हुई नजर आएगी। प्रशासन का यही कहना है कि लोगों को सेक्टर 16 में प्लॉट दे दिया गया है लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने शिफ्ट नहीं किया है और ऐसे में अब उनकी तरफ से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं अलमारी है, बेड है और ज़रूरी सामान है, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है और इन घरों पर अब कार्रवाई जो है पुलिस और प्रशासन की तरफ से होती हुई नज़र आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं। मारी 70 साल हो गए उड्डा हमारे सामने आए हैं सरकार, ठीक है उड्डा हमारे सामने बसा भाई वो आके ने और उससे सामने उससे पहले 70 के 80 साल से 100 साल से हम बैठे हैं भाई, ठीक है इस मालटोन के अंदर मालटोन मारे को मारे दम से मालटोन बना भाई, ठीक है कोई से नहीं मिला भाई हमने। अरे मैं खड़ा हूँ कल्ला भाई, वो भी नाम है मेरा, ठीक है किसी ने मिला ना मिला उनके बाहर के अरे मैं बोल रहा बाहर के तोड़े उनको मिला कोई अंदर वाला ले गया, ठीक है कोई बात नहीं जिनका मिल गया भाई, जो गरीब इंसान वो होता भाई कागज चुगा फलाना चुगा जो मर्जी करे भाई
हर सरियाम खड़ा भाई, तो उनको दे दे भाई जिनका नहीं मिला, इनका दे दे भाई जिनका नहीं मिला, ठीक है। आप सड़क पर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरी कुर्सी लुगाई रहो, बच्चे रहो भाई, मैं कल्ला खड़ा, जिनके बालक रहो उनको दुआ दे भाई। तेरे मोदी ने बोल ले, तेरे खट्टर ने बोल ले, इब का बोर्ड लेता हो ना, इब पंजाब पंजाब फाड़ रहा भाई। आ, मेरा मकान है जियो। क्या कार्रवाई करने के लिए आए? क्या कार्रवाई क्या करने के लिए आए? मारा तो उस खाते में पैसा भी, वो उस खाते में जा रहा है, जनरल में जा रहा है, और मेरे घर वाले की डेथ हो गई थी, चार पांच महीने तो हुए हैं मेरे घर वाले ने। प्लॉट मिल गया, प्लॉट तो मिल गया, बनाया नहीं भाई, जनरल खाता में घेर दिया, ब्याज बनाने लग रहे हो, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाने लग रहे, मैं कहाँ से भरूंगी? क्या काम करती हैं आप? मैं कोठिया का करती हूँ, घर वाला दिहाड़ी मजदूरी करा करा था। पुलिस पहुँची हुई है? पुलिस पहुँची हुई है तोड़ने के लिए। तो आपने रिक्वेस्ट नहीं किया? करी है रिक्वेस्ट, मान नहीं रहे, तोड़ने लग रहे, मान नहीं रहे, रिक्वेस्ट थोड़ी कर दी भाई, एक महीने की मोहलत दे दो हमारे को, एक महीने के माम बना लेंगे, मान नहीं रहे। मतलब आपको प्लॉट मिल चुका है सेक्टर 16 में? प्लॉट तो जी मेरे को मिल गया, मेरे चार लड़के हैं, चार हुआ का कोई से को प्लॉट नहीं मिला। अच्छा, हाँ। आपको मिल गया, आप क्यों नहीं यहाँ से शिफ्ट हुए? पैसा मेरा जनरल खाते में चला गया जो मैंने भर रखा था। कितने पैसे? आपकी क्या मांग है? एक लाख 9,000 रुपया भर रखे मैंने। अच्छा, वो जनरल में चला गया, ये ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगावांगे मेरे पे। क्या मांग है आप? खाली कलवाने आ रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरे एक महीने के लिए रहने दो, मैं अपना रो बना कर मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। 16 सेक्टर में जी। कहाँ पर जगह दी गई आपको? मकान नहीं, जब पैसे होंगे तभी तो बनाऊंगी मैं भी, पैसे तो मेरे वहाँ चले गए जनरल में। मनाऊ क्या? एक महीने का टाइम चाहिए। हाँ, एक महीने का टाइम चाहिए मेरे को, एक दो महीने का। सुनीता जी, तो ये देख सकते हैं आप, जेसीबी अब चलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, जेसीबी का जो ये पंजा है ये चलता हुआ नजर आ रहा है, और जिन घरों को लोगों ने खाली नहीं किया था उन घरों पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिजली की तारों को संभालते हुए यहाँ पर अब कार्रवाई हो रही है, जो जेसीबी मशीन है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो ये पंजा है जेसीबी का वो चलता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्रवाई वाल्मीकि बस्ती में हो रही है, जिन लोगों ने अभी तक इस बस्ती को खाली नहीं किया था, और ये इलाका HSVP के अंदर आता है। यहाँ पर जो तमाम लोग रहते हैं उन्हें दे दिया गया था प्लॉट सेक्टर 16 में, और ये आप देख सकते हैं अब कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है वाल्मीकि बस्ती में। प्रशासन की तरफ से JCB की मशीनें पहुँची हैं और एक के बाद एक JCB मशीनों को की तरफ से अब जो यहाँ पर घर बने हुए हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। सेक्टर 16 में तमाम लोगों को प्लॉट दे दिया गया है, और आप देख सकते हैं ढह गई है दीवार, तोड़ दिया है घर JCB ने। हालांकि इन तमाम लोगों को सेक्टर 16 में प्लॉट दे दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये परिवार के लोग शिफ्ट नहीं हो पाए थे, जिसके चलते अब जहां पर ये रह रहे थे वाल्मीकि बस्ती में, वहां पर JCB की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिली है। और एक बार फिर से जो JCB का ये पंजा है ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, और ये JCB का पंजा, ये दीवार ढह गई, और ऐसी ही कार्रवाई कई मकानों पर देखने को मिलेगी। कई लोगों ने वहाँ पर प्लॉट पे घर बना लिया, शिफ्ट हो गए, लेकिन कई लोग अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब वो घर टूट चुका है। परिवार परेशान जरूर है और चिंतित जरूर है कि वो कहाँ जाएगा, लेकिन
प्रशासन का कहना है कि उन्हें सेक्टर 16 में प्लॉट दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग वहां पर शिफ्ट नहीं हुए। आज कार्रवाई की गई है यहां पर, तो मेरे को ना हुड्डा वालों की समझ नहीं लग रही ये कर क्या रहे हैं, जहाँ उनको मेरे को लगता है खुद ही नहीं पता हमने करना क्या है, क्योंकि ये परसों आए थे डिमार्केशन करने नए सिरे से, तो हमारे पास अब कापी नहीं है, मेरे पास पहले कापी थी मेरे पास, उसमें कापी में सर्वे हैं दो प्रकार के, एक तो हुड्डा लैंड का सर्वे है, एक एम सी लैंड का सर्वे है। अब ये कहते हैं ये 2003 में हमने जो 13 में सर्वे करा था वो गलत है, अब जो हम नया कर रहे हैं वो ठीक है, तो हम ये कहते हैं जो अगर नवे में कोई आ रहा है तो उसको भी बेनिफिट दिया जाए, हम तो ये कह रहे हैं, और पुराना भी देख के तोड़ा जाए। अब ये कह रहे हैं गलती से हमसे ये टूट गया, एम सी लैंड में आ गए थे, और वो कहाँ जाए जिनके पहले ही टूट गए। तो जिन लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं वो तो चले भी गए, तो खाली पड़ा सारे, वो तो चले भी गए, वो 259 है वो तो चले भी गए, वो तो हम भी कहते हैं जिनको मिल गया है शिफ्ट हो गया, अगर कोई खाली खड़ा है तो तोड़ दो, उसमें इनको भी कोई इतराज नहीं। हम तो ये कह रहे हैं अब जो नए सिरे से ये कह रहे हैं हमने सर्वे करा है, वो जहाँ तो पहले वाला सर्वे ठीक मान रहे हैं, इस वाला ठीक मान रहे हैं, अगर इस वाला ठीक मान रहे हैं तो उनको प्लाट दे। तो नया सर्वे में कितने मकान चिन्हित हुए हैं जिनको गिराया जाना, ये कह रहे हैं 28 है उसमें नए 28 है। हाँ जी, ये मतलब कि कंफ्यूजन क्यों है, क्या डिपार्टमेंट आपस में तालमेल नहीं कर रहे आप नगर निगम? डिपार्टमेंट तो है ही नहीं इसमें, एक ही डिपार्टमेंट है, वही पहले उसने सर्वे करा, उसने नगर निगम ने तो कुछ करा ही नहीं इसमें। आपकी क्या मांग है? जो चीज जिनको नहीं मिले उनको दिए जाए सर्वे करके, सारे आदमी है मकान ही है, जो जायज है वो करी जाए, शुरू से हमारी यही डिपार्टमेंट से मांग है। वो मेरा नाम आप देख सकते हैं कि जेसीबी की तरफ से ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जो दीवारें हैं जो अवैध रूप से यहाँ पर मकान बने हुए थे उन्हें ढहाया जा रहा है। सेक्टर 12 के पास वाल्मीकि बस्ती से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, अधिकतर लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं, अधिकतर लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं, लेकिन जो लोग शिफ्ट नहीं हुए और अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं उनके घरों पर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। और ये आप देख पा रहे हैं जो दीवार यहाँ पर बनी हुई है उसे ढहाया जा रहा है जेसीबी मशीनों की तरफ से। ये कार्रवाई आज एक बार फिर से देखने को मिल रही है जिला प्रशासन की तरफ से। तो आप देख सकते हैं विरोध जरूर हो रहा है यहाँ पर जो तमाम लोग रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। और ये आप देख पा रहे हैं जो दीवार है वो ढहा दी गई है और मलबे में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है दीवार और जो तमाम यहाँ पर घर हैं वो। जो मल टाउन में जो वाल्मीकि बस्ती है यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिनको यहाँ के जो बासिंदे थे जिनके मकान थे उनको सेक्टर 16 में सरकार द्वारा मकान दिए गए हैं और बहुत से लोगों ने वहाँ मकान बना लिए हैं। कुछ 5-10-20 घर थे उनको सबको नोट्स दे दिया था, खाली उनका करवा के उनका सामान निकलवा के इनको डिमोलिश कर रहे। सर कुछ जगह ऐसी है जो कहा जा रहा था पहले ये हुड्डा में नहीं है? नहीं, वो जो स्टे था 7-8 मकान ऐसे थे, हमने बिल्कुल उनको नहीं कहा, उनको बोल दिया था, उन्होंने स्टे दिखा दिया था कि स्टे हमारा, उनको बिल्कुल नहीं हमने छेड़ा। पहले दीवार बनाई थी एचएसवीपी ने, लैंड यहाँ तक है हमारी, अब उससे आगे बढ़ा। नहीं नहीं, वो तो एचएसवीपी बताएगी, मैं तो जो आज बता रहा हूँ डिमोलिशन का है। मैं ड्यूटी में स्टेट हूँ यहाँ पे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमने जो मकान थे जो जिनको मकान प्लाट दिए जा चुके हैं उनके ये मकान गिरा के आज करीब 10-12 को तो हमने कर दिया है, बाकी कर रहे हैं जैसे हम पे। ये देखो जितने जो भी हैं इसमें काउंटिंग तो नहीं, जितने भी यहाँ मकान है जो उसके जिनको मिल चुका है सबको गिराएंगे आज। आपका नाम? सत्यवान, मैं ड्यूटी में स्टेट हूँ, जिला समाज कल्याण अधिकारी। आप देख सकते हैं जेसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और ये दीवार मलबे में तब्दील हो गई है, जो बाउंड्री की दीवार है उस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है जेसीबी की ये मशीन। और करनाल में आज पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है जहां पर अवैध रूप से जो तमाम मकान बने हुए थे और पिछले कई सालों से लोग यहां पर रह रहे थे, सेक्टर 16 में इन्हें रहने के लिए जगह भी दे दी गई थी और अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है जेसीबी की तरफ से।
तो आप देख सकते हैं पीला पंजा चलता हुआ, और जो तमाम यहां पर घर बने हुए थे उन पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। पीला पंजा मलबे में तब्दील हो रहे हैं वो घर जो यहां पर अवैध रूप से बने हुए थे, और अब इन्हें रहने के लिए सेक्टर 16 में भी जगह दे दी गई है और तमाम लोग वहां पर शिफ्ट भी हो गए हैं। और ये कार्रवाई करनाल में आपको देखने को मिल रही है, और फिलहाल प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कार्रवाई आपने देखी करनाल में उस जगह से जो सेक्टर 12 के नज़दीक पड़ती है वाल्मीकि बस्ती, यहाँ पर पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है। जो तमाम लोग यहाँ पर पिछले कई सालों से रह रहे थे, एचएसवीपी की ये ज़मीन है जो पहले हुडा विभाग हुआ करता था, और उनका कहना है कि ये अवैध रूप से रह रहे थे, इसलिए इन्हें रहने के लिए सेक्टर 16 में भी जगह दे दी गई थी। कई लोग वहाँ पर चले भी गए थे, जो लोग अभी तक नहीं गए थे वो यहाँ पर जो रह रहे थे उनके मकानों पर आज एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कुछ पेच और भी हैं जो यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर निगम की ज़मीन आती है, वहीं एचएसवीपी का कहना है कि अब वो ज़मीन जो है आगे तक एचएसवीपी के पास ही है, ना कि वो नगर निगम की है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं की गई है, आगे क्या कुछ रहता है, कितनी कार्रवाई की जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिन पर आज और कार्रवाई करने के लिए एचएसवीपी विभाग पहुंचा है, जो यहाँ के लोगों का कहना है कि वो नगर निगम में ज़मीन आती है, उन्हें सेक्टर 16 में रहने के लिए प्लॉट नहीं दिए गए हैं, ये बात यहाँ के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि ने भी बताया है। क्या उन्हें प्लॉट दिए जाएंगे या फिर उनके इस मकान को, इस आशियाने को इस तरीके से ढहा दिया जाएगा, ये वक्त बताएगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग।